जी दोस्तों, तो आज जो हम गाड़ी करने वाले हैं वो ना बड़ी यूनिक सी गाड़ी आई है आज चेक होने के लिए। इवन मतलब मेरे को लगता है कि मैंने शायद पहली गाड़ी देखी है मतलब अपने उसमें रिव्यू में। ये है स्कॉर्पियो 2014 ऑटोमेटिक। देखो ये VLX ऑटोमेटिक, दो एयरबैग आते हैं, क्रूज कंट्रोल आता है इसका और गाड़ी चली हुई 1,00,000। स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइट है भाई गाड़ी का और शीशा टूटा हुआ है गाड़ी का आगे का। पिकअप वगैरह देखते हैं। ये बात स्कॉर्पियो तो भाई वैसे भी शान है देसी लोगों की ना, और बड़ी अच्छी गाड़ी है ये। ऑटोमेटिक चला के मज़ा आ रहा है स्कॉर्पियो, हमेशा मैनुअली चलाई है मैंने। अभी देखते हैं गाड़ी में और क्या क्या है, कैसी है गाड़ी, अच्छा है बुरा है। वैसे मैंने गाड़ी देख ली है बट आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है गाड़ी में। तो ये है ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो। ये हो गया पार्किंग, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव और ये मैनुअल मोड पे। तो दोस्तों ये है VLX ऑटोमेटिक 2014 स्कॉर्पियो डीजल। गाड़ी की लुक कुछ इस तरीके की है, साइड से कुछ इस तरीके का लुक है इसका। स्कॉर्पियो वैसे सबने देखी है, पुराने वाली शेप है 2014 ऑटोमेटिक। तो ये पीछे से इसकी लुक है स्कॉर्पियो की, इधर से देख गाड़ी कैसी है। तो दोस्तों पीछे से इंटीरियर देखते हैं, राइट साइड से कैसा है। इसका डैशबोर्ड देखते हैं पीछे से, कुछ इस तरीके की लुक आती है इसमें अंदर से। ये रही पीछे इसके, यहाँ पे एसी वेंट आ जाते हैं। चार पावर विंडो हैं, आर्म रेस्ट है, कप होल्डर हैं, दो एयरबैग आते हैं दोस्तों इसमें। डिक्की खोल के देखते हैं पीछे डिक्की कैसी है, साफ सुथरी है, थोड़ी सी रस्टिंग यहाँ पे है पीछे, बाकी सीटें फोल्ड हो जाती हैं, काफ़ी स्पेस बन जाता है यहाँ पे, गद्दा लगा ले आदमी सो जाए आराम से, इतनी बड़ी स्कॉर्पियो होती है पीछे से। टायर अभी नए हैं, अलॉय व्हील लगे हुए हैं। आगे से देखते हैं फ्रंट से इंटीरियर कैसा है इसका, कुछ इस तरीके का इंटीरियर है इसका। एयरबैग है, ऑटोमेटिक गियर है। पीछे से देखते हैं, पावर विंडो है, मोबाइल रखने के लिए जगह है यहाँ पे, कैप्टन सीट है इसमें पीछे ना, 6 सीटर है ये। छत भी साफ़ सुथरी है, पिलर इसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया था देख लिया साफ़ है। थोड़ी सी रस्टिंग आती है इसमें, बाकी पीछे का टायर भी ठीक है, पीछे का अलॉय व्हील। तो स्कॉर्पियो देखते हैं अंदर से आगे से कैसी है। ये इसका राइट हैंड साइड से व्यू है अंदर इंटीरियर का, ग्लास इसका टूटा हुआ है। इंजन वाइज देखते हैं गाड़ी कैसी है। जब भी आप डीजल गाड़ी लें तो उसका बैक कंप्रेशन वगैरह अच्छे से चेक कर लें, लीकेज वगैरह अच्छे से चेक कर लें। बैक कंप्रेशन के लिए इसको निकालो और अगर कोई बंदा हो तो उसको बोलो कि रेस देगा। अगर इसमें से ऑयल या धुआं आ रहा है तो दैट्स मीन के बैक कंप्रेशन है गाड़ी में, लीकेज वीकेज कोई नहीं है। यह है देखो, यहाँ से लीकेज है इसमें, देखिए ये इसकी पाइप है इंटरकूलर के साथ, जो नीचे पाइप है मैनिफोल्ड वाली, वहाँ से लीकेज है ये। ये इसका टर्बो है, टर्बो ठीक है, इधर से ठीक है, टाइमिंग साइड से भी ठीक है। कवर इसका आवाज कर रहा है। ये साउंड जो देख रहे हो उसका बड़ा प्यारा लगता है, ऐसा लगता कि हाँ कुछ फील आती है। तो ऑटोमेटिक जब भी आप गाड़ी लें दोस्तों तो उसको अच्छे से चला के देखें, गियर वगैरह उसमें कोई जटरिंग वटरिंग तो नहीं हो रही शिफ्ट होते टाइम। वो कैसे पता लगेगा, जब आप ड्राइव करोगे ना रेस दोगे तो जैसे जैसे रेस बढ़ेगी वैसे वैसे गियर शिफ्ट होते हैं इसमें, तो उस टाइम पर कोई जटरिंग वटरिंग तो नहीं आ रही, कोई झटका वटका तो नहीं आ रहा, कोई आवाज़ तो नहीं है, वाइब्रेशन तो नहीं है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक गाड़ी को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर उसमें और दूसरे मोड हैं जैसे कि मैनुअल मोड है या उसमें एक स्पोर्ट्स वाला मोड आता है वो है, तो उसको सबको ना लगा के चेक कर लो। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टेक्निकली कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछें, कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के आंसर दूँ।